हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज की रेसिपी है पानी पूरी, जिसको हम गोलगप्पे भी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे गोलगप्पे बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसे फूले फूले बनेंगे। परफेक्ट टेस्ट वही आएगा आपका जैसा बाजार वाले गोलगप्पों में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ आपको लेनी है सूजी। सूजी आपको मोटी वाली लेनी है, बारीक सूजी नहीं लेनी है। अगर बारीक सूजी आप लेंगे तो आपके गोलगप्पे जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इस सूजी को बड़े बर्तन में डाल लें आप। 200 ग्राम सूजी मैंने ली है, उसके हिसाब से सारा मेजरमेंट करेंगे। तो ये जो कप है ये लगभग 50 ग्राम का है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा कम लिया है, यानी 40 ग्राम मैंने ऑयल लिया है। ऑयल नॉर्मल है, गर्म नहीं किया है इसको। कोई भी ऑयल आप ऐड कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल, कोई भी ऑयल। तो इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, आपकी सूजी जो है वो गीली हो जाएगी। इस तरीके से आप पानी लेना है, पानी आपको बिल्कुल संभल के डालना है, थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज़्यादा गीला सूजी को नहीं करना है। इस तरीके से बनाना है आपको, जो दही की कंसिस्टेंसी होती है वैसा आपको रखना है इसको, आप देख सकते हैं। तो अब इसको हम ना गूंथेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इसको हमें छोड़ देना है कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए। ये अच्छे से फूल जाएगी, तब तक हम बना लेते हैं गोलगप्पे का पानी। तो यहाँ मैं एक मुट्ठी धनिया ले रही हूँ। तो जितना धनिया लेना है उससे आधा लेना है हमें पुदीना, तो यानी कि आधी मुट्ठी हम लेंगे पुदीना, धनिए का आधा लेना है पुदीना। अब लेना है हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कि आप कितना चटपटा पानी रखना चाहते हैं, उस हिसाब से जितना स्पाइसी पानी रखना चाहते हैं वैसे मिर्च लें। यहाँ मैंने 15 मिर्च ले ली हैं। और अब थोड़ा सा डाल दिया है अदरक का टुकड़ा छोटा सा, और इसे मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। एक बड़े बर्तन में जिसमें आपको पानी बनाना है उसमें इसे आप ट्रांसफ़र कर लें। मिक्सी को अच्छे से धो के इसमें डाल लें। और अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, लगभग 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। तो ये 1.5 लीटर पानी तैयार हो चुका है हमारा। अब खट्टा करने के लिए आप चाहें तो इसमें लेमन डाल सकते हैं, पर असली अगर आप स्वाद चाहते हैं मार्केट वाला, इमली को 2 घंटे पहले भिगो दें, फिर अच्छे से मसल लें और फिर इसे उसी पानी में छान दें। गोलगप्पे का जो पानी तैयार किया है इसी में छान देंगे हम। तो इस तरीके से आप इसमें जब इमली ऐड करते हैं तो इसका स्वाद जो है बिल्कुल मार्केट वाले गोलगप्पे का जो पानी होता है वैसा ही आता है। आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं, पर इमली ऐड करते हैं तो स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा भून के, इसको अच्छे से मैश कर देंगे। और अब डालेंगे नमक, काला नमक डालेंगे टेस्ट के लिए, बहुत अच्छा होता है। और अब वाइट नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। जब वाइट नमक आप ऐड करें तो ध्यान रहे कि आपने काला नमक भी डाला है। और इस तरीके से आपका परफेक्ट पानी जो है वो तैयार हो जाता है। आप इसे छान लें, छानना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप छाने या ना छाने। तो इस तरीके से छान लेते हैं तो इसमें जो हार्ड पार्ट होगा, चाहे वो धनिए का हो या फिर मिर्च का हो, वो निकल जाएगा, गले में नहीं फंसेगा। तो इस तरीके से इसे अच्छे से छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं इतना सारा निकल गया है। अब ये इसे छान लेंगे सारा पानी ऐसे ही। तो अगर आप चैनल पहली बार आए या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अब इसमें हम डालेंगे, ये मेरे पास जलजीरा है, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। 1 चम्मच लेके घोल के मैंने डाल दिया है, और इससे बहुत बढ़िया इसका कलर भी चेंज हो गया है और स्वाद भी चेंज हो गया है। बहुत ही स्पाइसी चटकारेदार हमारा पानी तैयार है। अब हम तैयार करेंगे फिलिंग। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं 3 आलू उबले हुए, अपने हिसाब से ले लें, जितने आपने गोलगप्पे बनाए हैं उस हिसाब से। थोड़े से बॉयल्ड चने डाल दिए हैं। और अब इसमें कट कर देंगे 1 प्याज, आप चाहें तो हरी मिर्च कट करें, वरना हरी मिर्च की ज़रूरत तो नहीं है इसमें। तो इस तरीके से हम ये स्टफिंग भी तैयार कर लेंगे घर पे ही, बहुत बढ़िया तरीके से, बिल्कुल परफेक्ट मार्केट वाले गोलगप्पे हम तैयार कर रहे हैं आज। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं, और अब हमारी सूजी भी अच्छे से फूल चुकी होगी, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं। तो सूजी जो है हमारी सही है, टाइट हो गई, आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से हमें गूंथना है, जैसे आटे को गूंथते हैं, बहुत अच्छे से मसलना है। कम से कम 7 से 8 मिनट आपको कंटिन्यू गूंथना है। जब आप इसको अच्छे से गूंथ लेंगे तो आप पता भी नहीं चल पाएगा आपको कि आपके हाथ में आटा है या सूजी है। दिखने में बिल्कुल जैसे मैदा या आटा का डो लगाते हैं वैसे ही हमारी सूजी हो जाएगी। सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे जो गोलगप्पे हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम सूजी को बहुत अच्छे से मसलते नहीं हैं, गूंथते नहीं हैं, तो हमारी जो गोलगप्पे बनते हैं वो थोड़ी देर के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं, या फिर उनकी नीचे की लेयर जो है वो बहुत मोटी होती है और ऊपर की जो परत होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है।
तो इस तरीके से अगर आप अच्छे से आटे को गूंथेंगे, सूजी के लड्डू बढ़िया से तैयार करेंगे, मसलेंगे, टाइम देंगे थोड़ा सा, तो आपके जो गोलगप्पे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो इसे हम चेक करेंगे, फिंगर्स जब प्रेस करेंगे तो वापस आ जाता है, तो इसका मतलब अभी हमारा डो परफेक्ट नहीं है, थोड़ी देर से और गूंथना पड़ेगा हमें। तो अब देखो, आप देख सकते हैं ये वापस नहीं आ रहा है, यानी हमारा डो जो है परफेक्ट बन चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयां बना लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। एक रोटी जितनी बड़ी आप बनाते हैं, अगर आप जो ज़्यादातर रोटियां बनाते हैं उस साइज़ की बनाते हैं, तो उसमें कम से कम 7 से 8 गोलगप्पे आपके तैयार हो जाते हैं, छोटी छोटी। इस तरीके से लोई बना लेंगे। बेलन बस 2 बार मारना है आपको इस तरीके से, ना गोलगप्पे बहुत ज़्यादा मोटे हों ना पतले हों। इस तरीके से तैयार हो गए हैं। फ्राई करते वक्त ध्यान रखना है आपको, आपका ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म कर लें आप। उसके बाद गैस को मीडियम सेट कर लें, मीडियम पे रखें। अगर आप इस तरीके से गोलगप्पे फ्राई करते हैं तो आपके गोलगप्पे की लेयर परफेक्ट होगी, ना ऊपर की लेयर पतली होगी ना नीचे की लेयर मोटी होगी, और सारे गोलगप्पे आपके डालते ही फूल जाएंगे। कंटिन्यूसली इन्हें चलाते रहना है, बहुत ज़्यादा गोलगप्पे एक बार में नहीं डालने हैं, इनको दूर दूर रखना है, एक दूसरे के आसपास रहेंगे तो ये कम फूलेंगे। तो इस तरीके से जितना स्पेस आपकी कढ़ाई में पैन में हो, और इन गोलगप्पों के ऊपर भी आपको पानी पूरी जो है इनके ऊपर भी आपको ऑयल डालना है इस तरीके से, ताकि इनकी जो ऊपर की लेयर है वो भी क्रिस्पी हो जाए। अगर आप इन्हें ऊपर से इनके ऑयल नहीं डालेंगे तो ये ऊपर से जो है क्रिस्पी नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपको परफेक्ट गोलगप्पे तैयार कर लेने हैं, बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। बस डो आपका परफेक्ट लगना चाहिए, ऑयल का आपका टेम्परेचर और फ्लेम आपका परफेक्ट होना चाहिए, सही से होना चाहिए। डालते ही गोलगप्पों को से हल्के हाथ से चलाते जाएं तो आपके गोलगप्पे बहुत ज़्यादा बढ़िया और बिल्कुल बाजार जैसे क्रिस्पी तैयार होंगे। कभी तक रखेंगे आप इनको, जब भी आपके ये सॉफ्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप गोलगप्पों को स्टोर कैसे करें। सबसे पहले सारे गोलगप्पों को इस तरीके से अखबार पर निकाल लें, न्यूज़पेपर पर निकाल लें। ठंडे होने के बाद आप इन्हें किसी भी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, और हमारे गोलगप्पे तैयार हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम इनको सर्व करेंगे। तो पहले आलू भर लेंगे, फिर इसमें जैसे आप खाना चाहें वैसे आप अपने गोलगप्पे इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर लें। मेरे चैनल पे डेली एक न्यू वीडियो आती है, कोशिश करती हूँ कि रेसिपी अच्छी हो, वीडियो अच्छी हो।